हेलो व्यूअर्स, टैंगे फूडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी होली। आज हम ये होली की दूसरी रेसिपी बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अभी होली की एक रेसिपी बनाई है, पूरन पोड़ी, जिसका वीडियो आपको देखना हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और ये दूसरी रेसिपी है, ये जो कि होली पे महाराष्ट्र में हर घर में बनाई जाती है, इसे कटाची आमटी बोलते हैं। और तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक कटोरी सूखा नारियल को ग्रेट करके लिया हुआ है। एक कटोरी सूखा नारियल ग्रेट करके लीजिए। दो मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से काट के लेने हैं। एक छोटा टोमेटो चॉप करके लीजिए। एक लहसुन की कलियाँ निकाल के हम लोगों ने रखी है। धनिया कटा हुआ, धनिया हरा धनिया, दो तेज पत्ते, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, दो लौंग और काली मिरी, चार से पांच काली मिरी, ये लाल मिर्च पाउडर है, एक छोटा चम्मच लेना है। ये दो बड़े चम्मच जो हमारा घर में मसाला रहता है वो मसाला यूज़ करना है आपको। दो चुटकी हल्दी पाउडर, ये चार लहसुन की कलियाँ है चॉप करके लिए, और सात से आठ कड़ी पत्ते लेने हैं आपको। तो इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पे हम लोगों ने तवा गरम करने के लिए रखा है। तो सबसे पहले तवा गरम होने के बाद आपको सूखे नारियल के ग्रेट जो करके लिया है हम लोगों ने, उसे अच्छी तरह से विदाउट ऑयल आपको अच्छी तरह से भून के लेना है। अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक आपको इसे भूनना है। देखिए अच्छी तरह से हम लोगों ने सूखे नारियल को फ्राई करके लिया हुआ है, बिना ऑयल के फ्राई किया हुआ है। अब इसे हम लोग साइड में निकाल, नारियल भूनने के बाद हमें तवे में थोड़ा सा एक चम्मच तेल लेके पैच फ्राई करना है हमें। अभी हम पैच को फ्राई करेंगे, अच्छा गोल्डन फ्राई करके लेंगे। देखिए प्याज को हम लोगों ने अच्छी तरह से भून के गोल्डन फ्राई करके लिया है। अभी इसे भी हमको साइड में निकाल के लेना है। देखिए नारियल और प्याज अच्छी तरह से भून के लिए, अभी इसे हम लोग को थोड़ा ठंडा करना है, और ठंडा जैसे ये ठंडा होता है हमें मिक्सर में इसको पीसना है। देखिए भुने हुए प्याज और नारियल को हम लोगों ने मिक्सर के बर्तन में निकाल के लिया है। अब हम इसमें एक लहसुन की कलियाँ और हरा धनिया को ऐड करेंगे, सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना के लेंगे। देखिए हमारा ग्राइंड करके फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है। अब आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आगे की रेसिपी के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स लगेगा, जो है कि चना दाल, जो हम लोगों ने बॉईल करके ली थी पूरन पोड़ी बनाने के लिए, उसका स्टॉक हम लोगों ने साइड में निकाल के रखा था। वो स्टॉक हमें कटाची आमटी बनाने के लिए यूज़ करना है। तो ये स्टॉक कैसे हम लोगों ने निकाला था वो देखने के लिए आप हमारा जो पूरन पोड़ी का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, और दो चम्मच तेल भी डाला हुआ है कढ़ाई में, और ये गर्म हो चुका है। अब एक एक करके उसमें मसाले ऐड करते हैं। पहले हम लोग उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, उसके बाद चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, उसके बाद दो तेज पत्ते डालेंगे, फिर दालचीनी, और लौंग और ब्लैक पेपर सब ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब टोमेटो ऐड करेंगे, एक छोटा टोमेटो चॉप करके लिया था हम लोगों ने, सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। सब अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, दो चुटकी हल्दी पाउडर, जो हमारा गर्म का मसाला होता है वो दो बड़े चम्मच ऐड करेंगे, और जो लाल मिर्च पाउडर लिया था उसे भी ऐड करेंगे। और दो मिनट के लिए गैस को बंद करना है ताकि ये नीचे जले ना और लगे ना। गैस बंद करके अच्छे से मिला के लेना है सबको, गैस को बंद ही रहने देना है, और जो हम लोगों ने फाइन पेस्ट बना के लिया था उसे ऐड करना है अभी इसमें।
और अच्छे से मिला के लेना है सबको। जैसे ही सबको अच्छे से मिला के लेंगे आप, वापस एक बार गैस को चालू करना है आपको और वापस एक बार अच्छे से भूनना है सबको। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम लोग इसमें जो दाल का स्टॉक निकाला है उसे ऐड कर देंगे और सबको अच्छी तरह से एक बार चला के लेना है। ये जो स्टॉक निकाला है वो हम लोगों ने हमारे पूरन पोली का जो वीडियो है उसमें दिखाया है, फिर भी आपके लिए एक बार बता देता हूँ। आधा किलो चना डाल ली थी हम लोगों ने और उसे बॉईल किया था, और बॉईल करने के बाद दाल अच्छी तरह से गल जाए इतना तक बॉईल करने के बाद जो पानी बचा हुआ था उसका दाल का, वो हम लोगों ने साइड में निकाल के लिया था, वो अभी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अच्छे से एक बार चला के लेंगे। अभी इसको उबाल आने तक हम लोग पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हम लोगों ने अच्छे से इसको बॉईल करके लिया है। अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अच्छा उबाल भी आया है, ऊपर अच्छे से तरी भी आ गई है। देखिए अच्छी तरह से तरी छोड़ी है इस कटाचे आमटी ने। अब हम इसे गैस को बंद करके सर्विंग बाउल में निकाल के लेंगे। हमारी कटाचे आमटी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से तरी भी आ गई है ऊपर। इसे आप स्टीम राइस के साथ खाइए और होली का आनंद लूटिए। तो ये रेसिपी आप होली के त्यौहार पे घर पे ज़रूर बना के देखिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरन पोली की वीडियो भी देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। तो होली की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।